वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ बोम्बिल फ्राई। इसके लिए मैंने 8-10 बोम्बिल ले लिए हैं। इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसमें मैं ये सब मसाले डालूंगी कि 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, ये चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून ये धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ये सब इसमें मिक्स कर दूँगी। ये 1 लेमन जूस है, वो भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसे हम मैरिनेट करने के लिए 1-2 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए बोम्बिल को मैरिनेट होकर 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून रवा ले लिया है, 1.5 टेबलस्पून आटा लिया है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बोम्बिल को इसमें रोल करेंगे अच्छे से। सारे बोम्बिल को इस रवे से अच्छे से कोट कर लूंगी मैं ऐसे ही। देखिए सारे बोम्बिल को मैंने आटे और रवे के मिक्सचर से कोट कर लिया अच्छे से। अब इसे मैं फ्राई करूंगी। यहाँ पर देखिए मैंने सरसों का तेल गरम करने रख दिया है। अब अपने बोम्बिल को इसमें फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए एक तरफ से बोम्बिल ब्राउन हो गए थे, मैंने उसे पलट दिया है। ये देखिए बोम्बिल फ्राई बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे पुदीने के पत्ते और लेमन वेजेस के साथ सर्व किया है। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।